चलो दोस्तों, हमारे लिए गाड़ी रुका है अभी। चलो ये गाड़ी में निकलते हैं हम लोग अभी आप लोग को चमत्कार दिखाने के लिए। चलिए स्वागत है फिर से दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। अभी आज मैं सिर्फ तवे की अपील की तरफ एक नदी का रिपोर्ट है। तो यहाँ से बहुत करीब है रोम, बोलते हैं कोलोसियम, यू नो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कोलोसियम। तो यहाँ से 45 मिनट्स लगते हैं, 45 to 1 आवर ऐसे लगते हैं। और उसके बाद वहाँ से वेटिकन सिटी 11 मिनट्स to 20 मिनट्स लगते हैं चल के जाने के लिए कोलोसियम से। तो वहाँ पे जाने को मेरा प्लानिंग है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सो ये है मेरा पीछे बैकग्राउंड जो है वो एक्चुअली एक सिविडेबेकिया का कुछ सेंट्रल ये है। सो यहाँ पे मैंने पहले आ चुका हूँ, काफ़ी चेंजेस हो गया ये जगह। मैंने पहले ऐसा नहीं मतलब थोड़ा चेंजेस हो गया, मेरा पीछे वाला जो बैकग्राउंड है जो बिल्डिंग्स है वो वाला नहीं है। यहाँ पे जो चूल्हा लगा हुआ है, पीछे चूल्हा लगा है कहाँ पे हाँ यहाँ पे। सो ये जो चूल्हा है ये चेंजेस हो गया, पहले ये नहीं था। और बच्चों को खेलना, ये जो खिलौना जो जगह है ये नहीं था पहले। सो वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करूँगी, तो अंदर जाते हैं हम लोग। यहाँ पे सीधे देखिए, हमें पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग रोम जाने का ये कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। चलो इसके लिए लगे रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हमेशा के लिए लंबा होते रहता है मेरा वीडियो, क्योंकि ट्रैवलिंग वीडियो मैंने सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो इसके लिए सो वीडियो को स्किप किए बिना, फॉरवर्ड किए बिना देखते रहिए, और जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत दोस्तों, तभी तो मैं बराबर जबरदस्त बना के दिखा सकता हूँ मैं अभी। ओके चलो अभी मैं एक राउंड पूरा घुमा के दिखाता हूँ आप लोग को। ये मेरा जो पीछे बैकग्राउंड में देखिए। चलो तो फिर वीडियो के अंदर चलते हैं। चलो सो यूरोप में एक चीज याद रखने का, जो चल के जाते हैं लोग उनको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, खाली यहाँ पे जिब्रा क्रॉसिंग है। तो जिब्रा क्रॉसिंग पे लोग अगर चलते जा रहा है तो गाड़ी रुक जाता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए, ये देखिए, गाड़ी जितना भी फास्ट जाओ रुकेगा, वो रेस्पेक्ट देते हैं लोगों को, पहले क्रॉस करने देते हैं, उसके बाद गाड़ी चलाता है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे यूरोप में, और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है, मतलब बाहर देशों में ऐसा ही है। अपना देश में तो ऐसा मतलब अभी तक मैंने सिचुएशन देखा नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो तो फटाफटी जबरदस्त होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि आप लोग को दिखाने वाला हूँ मैं कोलोसियम जो रोम में है। मैं अभी इटाली में हूँ, इटाली से निकल जाएंगे हम लोग ट्रेन पकड़ के, उसके बाद जाएंगे हमने कोलोसियम दिखाने के लिए। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये कोलोसियम है। उसके बाद आपको दिखाऊंगी प्याजा पेनेजिया, उसके साथ साथ है, सामने ही है। उसके बाद पैंटियन है, सामने ही है। उसके बाद वाटर फाउंटेन भी है, वाटर फाउंटेन ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास एक्चुअली, जितना टाइम होगा जितना हो सकता है मैं वीडियो निकालने को कोशिश करेंगे, मतलब निकालेंगे आप लोग के लिए अच्छा वीडियो निकालेंगे। आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप बिना मत कीजिए। चलिए अभी हम लोग ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गया, ट्रेन पे जाएंगे। चलो ट्रेन आ गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी फिलहाल हम लोग इटाली में नहीं हूँ, इटाली से हम लोग रोम निकल रहे हैं। रोम पे आप लोग को दिखाने के कोलोसियम, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद पियाजा वेनेजिया, पैंथियन, वाटर फाउंटेन। चलो अभी वही हम लोग आपको दिखाने वाला है। चलिए तो फिर अभी शुरुआत करते हैं यहाँ से। ओके दोस्तों, हम पहुँच गया कहाँ पे, रोम पे पहुँच गया। अभी सीधा आप लोग को लेके जा रहा हूँ फर्स्ट कोलोसियम दिखाने के लिए। कोलोसियम ये देखिए, रास्ते पे इतना भीड़ है, आदमी बहुत आदमी है, मतलब बहुत लोग हैं। देखिए सर, यहाँ पे कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा आपको, कुछ आवाज़ आ रहा है बजने का यहाँ पे, मतलब आपको देखिए ये सब पुराना बिल्डिंग्स है, रोमन एम्पायर लोगों की, मतलब बहुत पुराना बिल्डिंग्स है ये सब देखने के लिए लोग आते हैं, सब लोग आते हैं यहाँ पे रोम पे। चलो थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, यहाँ पे एक ड्राम सेट बजा रहा है, मस्त ड्राम सेट बजा रहा है।
थोड़ा सुन लेते हैं कैसा है। जबरदस्त म्यूजिक बजा रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, लेकिन यूनिक चीज बता दिया। अरे भाई इतना बड़ा कुत्ता लेके कहाँ घूम रहा है यार, वो भौंक रहा है ऊपर से। चलिए तो ये मतलब रास्ते पे ऐसे मतलब बाहर ऐसे टूरिस्ट एरिया में बहुत सारे म्यूजिक परफॉर्मर हैं और म्यूजिक दिखाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे। सो लोग देखते हैं ये सब। थोड़ा चल के जाना पड़ेगा इसके लिए, लंबा है कि यहाँ से स्टार्टिंग क्या है सब कुछ दिखाने के लिए आप लोग को। सो कभी अगर आप लोग रोम आएगा तो, और किसी ने तो ऑलरेडी रोम आ चुका है, उन लोग तो उन लोग को पता चल रहा है ये कौन सा जगह है। सो ये सीधा रास्ता लेके जाते हैं आप लोग को कोलोसियम पे। आपको कोलोसियम पता है, कोलोसियम एक तरह का थिएटर था, वर्ल्ड में सबसे बड़ा थिएटर है वो। थिएटर मतलब ऐसा नहीं है मूवीज चलाने के लिए नहीं है, वो एक्चुअली रियल जो लोग होते हैं, रियल जो इंसान होते हैं उनके साथ मतलब फाइटिंग करवाते थे, और जानवर के साथ ऐसे मतलब ग्लैडिएटर के साथ ऐसे। कम से कम वहाँ पे ऐसे मैंने गूगल में देखा था मैंने ऐसे ही उन मतलब कम से कम आपको ये क्या है पेंटर है हाँ, कम से कम मतलब आपको 40 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे मरा है जो क्या बोलते हैं ग्लैडिएटर बोलते हैं वो लोग। और दुनिया का सबसे बड़ा ये थिएटर था वो एक तरह का। ये देखिए पूरा रोमन अम्पायर दिनों का मतलब ये है, ये सब क्या बोलते हैं जगह है, ये जितना भी दिख रहा है आपको, जितना भी दिख रहा है आपको। मैंने एक्चुअली वैटिकन सिटी भी जाने का प्लानिंग था मेरा, लेकिन मेरा टाइम बहुत शॉर्ट हो गया तो इसके लिए मेरे को वैटिकन सिटी आपको दिखा नहीं पाऊंगी। वहाँ से एक्चुअली यहाँ से मतलब जिस कॉलोजियम है, कॉलोजियम से 11-20 मिनट का रास्ता है, तो जा सकता हूँ मैं, पर टाइम नहीं है मेरा पास इसके लिए। मैं तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोग को। सो और ऊपर से मेरे को टाइम भी नहीं था, कम था, इसके लिए मैंने क्या बोलते हैं ये पियाजा बेनेजिया और पैंथियन वाटर फाउंटेन और सब निकालने के लिए बहुत टाइम कम टाइम मिला। ये पेंटर है, अच्छे अच्छे पेंटर होते हैं यहाँ पे, स्ट्रीट पेंटर रहते हैं, अच्छा अच्छा म्यूजिशियन रहते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए होते हैं यहाँ पे, लोग बेचते हैं पेंटिंग करके ये सब। सो तो ये बोल रहा था मैं, ये सब रोमन एम्पायर का मतलब लोगों का ये था। ये घोड़े का गाड़ी में बहुत महंगा होता है, इसके लिए गया नहीं मैं। और एक बात बोलता हूँ, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री था ना रोम, मतलब रोमन जो सोल्जर था वो सब बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ये था ना क्या बोलते हैं सोल्जर था ना दुनिया का सबसे। और मैं अभी क्या बोल रहा था मैं ये वैटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री जहाँ रहते लोग 825 लोग और लेस देन 1 स्क्वायर किलोमीटर जगह का हो जगह। एक्चुअली नॉर्मली लोग कहा जाता है कि वहाँ पे प्रिस्ट लोग रहते हैं, जो चर्च का बड़े बड़े लोग पोप लोग रहते हैं, वो लोग पोप जो बोलते हैं वो लोग रहते हैं मैक्सिमम वहाँ पे। सो ऐसे है वैटिकन सिटी। तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने के लिए, अगर फिर वापस में अगर मैं सिविटावेकिया में आऊँ। मैं अभी सिविटावेकिया में हूँ, सिविटावेकिया इटाली में है, तो यहाँ से ट्रेन लेके हम लोग निकले थे। तो कभी भी यूरोप में अगर घूमने जाए आएगा तो आप लोग ट्रेन पकड़ने का, एक कंट्री में आने का सेंगेन वीज़ा है तो एक कंट्री में आने का, पूरा पब्लिक ट्रेन लेने का किधर भी जाने का, आपको किधर भी जाके कोई भी यूरोप का कंट्री में जाके आप लोग जगह देख सकते हैं, और वो भी बहुत सस्ते में, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। कम पैसे में आप दुनिया घूम सकते हैं यहाँ पे, स्पेशली यूरोप में, पूरा मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट घूम सकते हैं। और आपको तो पता ही है जो कोलोसियम है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे कि आपका हम लोग का क्या है ताजमहल है, और उसके बाद लास्ट टाइम दिखाया था आप लोग को जॉर्डन पेट्रा, उसके बाद आपको दिखाया था मैंने सॉरी जॉर्डन पेट्रा हो गया, उसके बाद माचू पिचू, ऐसे बहुत सारे हैं। और आप मेरा एक वीडियो है कोलकाता का एक इको पार्क का,
उसमें कोलकाता में आर्टिफिशियल एक बनाया है जो पूरा 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड बहुत सारे हैं वहाँ पे, पेरिस टावर भी है वहाँ पे, जो एफिल टावर है वो भी है। तो ये सब पुराने जमाने का पूरा एक बिल्कुल पुराने मतलब रोमन दिनों का है ये सब, रोमन लोगों का। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरा सब कुछ दिखाना पड़ेगा आप लोग को, इसके लिए थोड़ा लंबा हो गया। सो प्लीज़ इस बिना स्किप किए देखते रहिएगा, और जो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे जो ये ट्रैवलिंग वीडियोस, सो शेयर कर सकते हैं जितना हो सकता है, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा पसंद आया तो वीडियो। ये म्यूजिक बजा रहा है, कितना मस्त गिटार बजा रहा है, बढ़िया है। सो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन प्रेस करेगा तो अच्छा है, क्योंकि मेरा नया नया वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा तुरंत। सो ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है हम लोग, ये सब देखते जाइए। अब मैं हम लोग तो ये देख देख के मतलब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 2-3 घंटे का था, तो इसके लिए हम लोग ये देखते देखते मतलब टाइम नहीं पहुंचता है इसके लिए। तो वीडियो बनाने के लिए भी मुझे वेटिकन सिटी भी जाने को मौका नहीं मिला, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो अभी हम लोग पहुँचने वाला है, ये सब कब क्या है पता नहीं, मुझे भी पता नहीं चलता है ये क्या क्या लिखा है, इतना सारा मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं मिलता है। सो ऐसे स्टैचू लगा के रखा है जो पहले का, जो क्या था वो सेनापति था राजा था पता नहीं। ओके सो पहुंचने वाला है भाई लोग दोस्तों, ये नजदीक पहुंच गए अभी देखिए, और थोड़ा सा मिनट लगा है, थोड़ा सा सेकंड, ठीक है, नजदीक पहुंच गए अभी। काफ़ी क्राउड है ना लोग, अभी दिखा दे रहा हूँ जो पुराना चीज़ है वो दिखा रहा हूँ आप लोग को मैं, उसके बाद अभी पहुँचने वाला है। चलो 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 चलो, कमान कमान, ये रहा ये रहा, आपको दूर से देखने को मिलेगा अभी यहाँ से, ये देखिए वहाँ पे देख रहा है कोने में वही है। चलो अभी नज़दीक से लेके आया, कैसा लग रहा है? ये है 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड कोलोसियम, उसके बाद ये पूरा दिखाने के बाद मैं निकलेगा आपका प्याजा बेनेजिया भी निकलेंगे। सो ये है नजदीक से आप लोग को दिखाया मैंने, और भी दूसरा साइड से निकाल के दिखाऊंगे आप लोग को।
तो इसके बाद दोस्तों अभी ये ख़त्म होने के बाद आप लोग को सीधा लेके जाऊंगे मैं प्याज़ा बेनेजिया में लेके जाऊंगे और नज़दीक में ही है, सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, आप देखते रहिए आप लोग, और जिसको जिसको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए और जितना हो सकता है लाइक कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। सब्सक्राइब करके आप लोग बेल बटन भी प्रेस कीजिए, तभी तो मेरा नया नया वीडियो लेके आऊँगी मैं और आप लोग को मिल जाएगा नया नया वीडियो। ये देखिए दूसरा साइड से दिखाया मैंने, पूरा राउंड है, आपको पता है इसका स्टोरी, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं कहीं पे भी गूगल में भी। ओके, यहाँ पे अभी मिल गया, अभी आपको यहाँ पे लेके आया आप लोग को, ये है प्याज़ा बेनेजिया, ऐसे बड़ा बिल्डिंग्स है, रोमन एम्पायर लोगों का पता नहीं क्या था, पता नहीं इसका हिस्ट्री तो मुझे पता नहीं इतना, पर जस्ट दिखाया आप लोग को। ओके, अभी चलते इसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग, पैंटियन पे जाते हैं। ये पैंटियन निकलेंगे आपको, ये देखिए ये पैंटियन है, सो नज़दीक ही है, सामने सामने ही, आमने सामने ही है, सब आमने सामने ही है। और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे वह इसमें क्या बोलते हैं, वाटर फाउंटेन दिखाने के लिए आप लोग को। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना पाया मैं, तो बहुत क्राउड है और मेरा पास टाइम भी इतना नहीं था, तो इसके लिए अगली बार जब आओगे तो फिर अच्छा से वीडियो निकालेंगे, मतलब थोड़ा टाइम लेके मस्त वीडियो निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से सीधा हम लोग अभी निकलने वाला हूँ वाटर फाउंटेन के लिए। मैंने सुना, मेरा दोस्त बोल रहा था कि वाटर फाउंटेन में बहुत क्राउड है, फिर भी आप लोग को कोशिश करेंगे थोड़ा ऐसे ही दिखाने के लिए, क्योंकि अभी जाने का टाइम भी हो गया। चलिए देखते हैं वाटर फाउंटेन कैसा है। ये देखिए, ये है वाटर फाउंटेन, मौका नहीं मिलता है, लोग देखिए कितने लोग हैं, हज़ार लोग हैं। ये काफ़ी खूबसूरत है एक्चुअली, आप अगर सामने से अगर खुद ही आके देखोगे तो बहुत, देखिए कितना क्राउड है, अंदर जाने का मौका नहीं मिलते, इतना क्राउड है। सो इसके बाद हम लोग, ये लास्ट है हमारा ट्रेवलिंग, इसके बाद हम लोग निकलने वाला हैं यहाँ से निकल के हम लोग सीधा ट्रेन पकड़ के वापस इटाली जा रहा हूँ, सिविल वेकिया जा रहा हूँ, तो उसके बाद वहाँ पर कुछ खाना खाएँगे। एक जापानीज रेस्टोरेंट पे आया फिर आज जापानीज खाना टेस्ट करने के लिए,
और मैं तो कुछ खाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी खा चुका हूँ। तो मैं कल ड्रिंक लिया है जापानीज ब्रांड का है, ड्रिंक नाम है असाही ड्रिंक, पीने के लिए मैं। और मेरा दोस्त है वो कुछ जापानीज खाना खा रहा है क्योंकि मैं खाना खा के आया, तो इसके लिए भूखे लग रहा है मुझे, अगर ड्रिंक करके जाएगा अभी आज। सो जब भी मैं बाहर जाता हूँ मैं सुविनर खरीदता हूँ। तो आज का ट्रैवलिंग करने की बात, अभी रोम का, सिविलिया का, इटाली का, जो भी है, मतलब मैंने सुविनर ले लिया 10 यूरो का। उसके बाद ये वीडियो इतना तक खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लेकिन आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।